खबर है योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी के बीच शुरू हुई जुबानी जंग को लेकर। संसद में राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ हमले किए थे, लेकिन अब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर बाबा योगी आदित्यनाथ ने भी तगड़ा पलटवार किया है। सिलसिलेवार तरीके से पूरी खबर बताते हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के एक बयान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस बीच अब खुद सीएम योगी ने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए ताबड़तोड़ हमले किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए क्या कहा है वो बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने योगी को लेकर क्या कहा था। दरअसल राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सीएम योगी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वो जो करते हैं वो नहीं करते, वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं, वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग हैं। जी हाँ, ठग। ये वही बयान था या वही शब्द था जिसे लेकर बवाल हुआ। हालांकि राहुल ने आगे कहा कि उन्होंने इस्लाम, ईसाई, यहूदी धर्म के बारे में पढ़ा है और बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ा है। हिंदू धर्म को वो समझते हैं, कोई धर्म ये नहीं कहता कि नफरत फैलाओ। सीएम योगी ने कहा, सीएम योगी त्रिपुरा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। वो हमेशा भगवान राम, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को नकारती रही है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले राम मंदिर, राम सेतु का विरोध करते रहे हैं। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने सवाल पूछा कि अगर कांग्रेस होती तो क्या कभी राम मंदिर बन पाता। इस दौरान सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस के शासन में रोजाना भ्रष्टाचार के मामले सामने आते थे। अब कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। आज विकास योजनाएं तीव्र गति से बढ़ रही हैं, तो कांग्रेस अब कम्युनिस्टों के साथ मिलकर आ गई है। और राहुल गांधी के इसी ठग वाले बयान पर बीजेपी ने उनसे माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने हिंदुओं और खासकर गोरखनाथ मठ का अपमान किया है। हालांकि उनके इस बयान के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी उन पर हमला बोला है। बहरहाल राहुल के इस बयान पर आपकी क्या राय है, योगी के पलटवार पर आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।